आधुनिकीकरण जो आप बात कर रहे हैं, इसमें ऐसे मदरसे जो अनुदानित हों या आधुनिकीकरण योजना से अच्छा देते हों, तो उनके द्वारा प्रस्ताव दिया जाना है कि हाँ, हमारे यहाँ मदरसे में ये स्मार्ट क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप इन्हें जो है हमारा प्रस्ताव, इसके लिए विभाग की तरफ से 14 अगस्त 2018 को पत्र प्रेषित है और उन्हें समय समय पर मौखिक रूप से भी निर्देशित किया गया है। खेत की बात है कि अभी तक बनारस में जो मैंने पता करवाया है, किसी भी मदरसे से इस तरह के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तैयब अली रज़ा अंसारी, मदरसा जामिया फारूकिया, रेवड़ी तालाब, बनारस। फारूकी साहब, जिस तरह से मदरसों को स्मार्ट करने की कवायद सरकार कर रही है और विभाग का कहना है वाराणसी में कोई मदरसा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, क्या सच्चाई है इसकी? अगर विभाग की तरफ से ये खबर है कि मदरसों को क्या नाम है मॉडरेशन किया जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ अल्पसंख्यक ऑफिस से हमारे यहाँ कोई लेटर ही ऐसा नहीं आया जिसका हम क्या नाम है जवाब दे सकें। और फिर जब वो क्या नाम है लेटर आता, उसमें क्या है उसको हम लोग देखते कि हमारे मदरसे के लिए वो मुनासिब है, उसमें कोई कमी है कोई, तो उसको क्या नाम है उस कमी को दूर करने के लिए हम क्या नाम है उनको अपना मशवरा देते, वो अपना शासन के पास भेजते कि मदरसे में ये भी ज़रूरी है ये भी ज़रूरी है। अभी शासन ने तो आदेश कर दिया है, लेकिन हम लोगों को क्या नाम है अल्पसंख्यक ऑफिस से कोई इसकी इत्तला ही नहीं है, कोई लेटर ही नहीं आया है। डॉक्टर नबीजान, जिला सेक्रेटरी टीचर एसोसिएशन मदरसे अरबिया उत्तर प्रदेश, जिला यूनिट बनारस। मैं तो समझता हूँ कि ये देश के हम लोग एक नागरिक हैं और देश में जो भी नियम कानून बनते हैं वो हम लोगों की भलाई के लिए ही हैं, और जो भी आदेश हो रहा है या मदरसों को स्मार्ट बनाने के जो आदेश किए गए हैं तो शासन की तरफ से, और उसको हम लोग अभी पूरी जानकारी नहीं है, जिसके बारे में बहुत नहीं कहा जा सकता है कि हमको इसको कैसे उसको हम अमल में ला सकते हैं। अगर वो चीज़ हमारे बीच में आ जाए, उसकी शर्तें आ जाए, उसके नए नियम कानून आ जाए, तो वो हम लोग उस पर गौर करेंगे। अगर हमारे शरीयत के दायरे में है तो हम लोग पूरी तरह से उसका साथ देंगे और शासन को इसमें पूरा सहयोग करेंगे, जितना भी हो सकता है हम करेंगे, लेकिन ये चीज़ अभी तक हम लोगों के बीच में आई नहीं है, जिसके लिए हम लोग खुद भी पूरी तरह मालूम नहीं है कि यह है क्या चीज़ या इसको स्मार्ट बनाने के लिए इसमें क्या क्या करना है, क्या किया जाए। का कहना है कि हम आपको लेटर जारी कर चुके हैं 14 अगस्त तक, जी लेकिन मदरसा खुद इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। भाई, अफसोस की बात है कि हमारे संबंधित विभाग का हाल ये है कि ये सिर्फ लेटर बना करके व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, मदरसों को रिसीव नहीं करा रहे हैं, इसलिए पूरे मदरसों